सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपके पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान के इकाई 7 से आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो कुछ हमने कल के वीडियो में भी चर्चा की थी, असहयोग आंदोलन। तो आज हम असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि देखेंगे, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के लिए क्यों विवश होना पड़ा हमारे भारतीय नेताओं को। सबसे पहले 1914 में जो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें आर्थिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था देश में। एक और जहां भारत में आर्थिक विकास रुक गया, सामाजिक विकास रुक गया, वहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सारे पैसों को सैनिकों को युद्ध में इस्तेमाल कर रही थी। तो नंबर एक में आएगा प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। देखो, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ। कब हुआ था भाई प्रथम विश्व युद्ध? 1914 में। इस युद्ध से भारत में नई आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, क्या हो गया? एक नई आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई। इससे भारत की आर्थिक दशा खराब हो गई, आर्थिक दशा खराब हो गई। तथा रक्षा खर्च में भी वृद्धि, रक्षा खर्च में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, रक्षा खर्च में भी वृद्धि हो गई। आंदोलन के लिए क्यों विवश होना पड़ा? वो सबसे पहला कारण आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में हुआ। आपने कक्षा 9 में या 10 में भी पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और बीवी बच्चों की हत्या, ये मेन कारण बना था। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ था। इस युद्ध से भारत में नई आर्थिक
एवं राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई, इससे भारत की आर्थिक दशा खराब हो गई तथा रक्षा खर्च में भी वृद्धि हो गई। ये भी एक असहयोग आंदोलन का कारण बना, पहला कारण हो गया प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा जो आता है वो आता है महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का, गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, ठीक है, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। अब देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण कहां से, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लौट कर भारत आए। ध्यान रहे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्या हुआ था इस दिन, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। कब आए भारत, 9 जनवरी 1915 को। अब देखिए अहमदाबाद के बाद के अहमदाबाद के साबरमती के निकट अपना क्या बनाया, साबरमती के निकट अपना आश्रम बनाया, आश्रम बनाया किसके निकट, साबरमती के निकट। ये क्या है, साबरमती नदी है, ठीक है, नदी। तो अपना 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए और अहमदाबाद के साबरमती नदी के निकट अपना आश्रम बनाया। कहाँ बना लिया भाई, साबरमती के निकट। और भारत और भारत की राजनीतिक परिस्थिति यों का अध्ययन करने लगे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापिस कब आए, तो आप बताओगे 9 जनवरी 1915 को आकर के किस नदी के तट पर, साबरमती के निकट अपना क्या बनाया, अहमदाबाद में आश्रम बनाया। क्या बनाया, अहमदाबाद में आश्रम बनाया। अहमदाबाद में आश्रम बनाया और सबसे पहले
सब से पहले 1917 में बिहार के चंपारण आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है भाई, अब ये भी पूछा जाता है कई बार कि गांधी जी ने किस आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किया, तो आप बताओगे चंपारण किसान आंदोलन से। कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था भाई? 1917 में। और चंपारण जो है या चंपारण जो किसान आंदोलन है, यह चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी का सफल रहा। ठीक है, तो चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? तुम्हारे भी ये दसवीं कक्षा 10 में भी हम चंपारण आंदोलन को पढ़ेंगे। तो गांधी जी का प्रवेश राजनीति में किस आंदोलन से माना जाता है? चंपारण किसान आंदोलन से माना जाता है। कब हुआ था? 1917 में। कहां हुआ था? बिहार में। बिहार में चंपारण किसान आंदोलन। इसके बाद ये एक बार आप देख लें, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। उसके बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं अहमदाबाद में बाद में मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से गांधी जी का आना और राजनीति में प्रवेश, ये भी एक असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।